नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रधानमंत्री आवासीय योजना शहरी की नई लिस्ट के बारे में बताऊंगा। अगर आपने पुरानी लिस्ट में अपना नाम चेक करा है और उसमें आपको निराशा हाथ लगी, तो आपके लिए एक नया मौका है। प्रधानमंत्री आवासीय योजना की शहरी की जो लिस्ट थी वो अपडेट कर दी गई है, यानी कि नई लिस्ट या जो कहें नए नाम जो हैं उस लिस्ट में ऐड कर दिए गए हैं। तो किस तरह से आप अपने नाम को उसमें चेक कर सकते हैं वो मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको अपना गूगल ब्राउज़र ओपन कर लेना है और उसमें आपको लिखना है PMAYMIS, ठीक है। आप इतना लिख दीजिए और इसको लिख के सर्च कर दीजिए PMAYMIS को लिख कर। तो दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि जो पुरानी लिस्ट थी उसी के अंदर यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है, जो भी नए नाम है उनको इसी लिस्ट में ऐड कर दिया गया है, तो आप इसमें अपना नाम चेक कर सकते हैं। अब आपको इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है, जो पहले नंबर पर लिंक आपको दिख रहा है, तो हम यहाँ पर लिंक कर देते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर क्लिक करा, देखिए किस तरह का पेज खुला है। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। देखिए, अगर आपको इस योजना के तहत कोई भी अगर आपसे पैसे मांगता है या किसी भी चीज़ की डिमांड करता है, तो आप देखिए यहाँ पर एक एड्रेस भी दिया गया है, आप यहाँ पर इस एड्रेस पर डायरेक्ट कंप्लेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत आ रही है, कोई पैसे मांगता है, तो आप इस नंबर पर डायरेक्ट उसको कंप्लेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम थोड़ा नीचे चलते हैं इस पेज पर। तो इस पेज पर आप थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक ओके का ऑप्शन दिखेगा, इसको आप ओके कर दीजिए। देखिए नीचे ये ओके के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे हमने पहले लिस्ट चेक करी थी उसी तरह से सेम हमें यहाँ पर लिस्ट चेक करना है। अब यहाँ पर हमें इधर सर्च बेनिफिशरीज के ऊपर क्लिक करना है। ये ऑप्शन है सर्च बेनिफिशरीज, यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर सर्च बाय नेम एक ऑप्शन आएगा, इस पर हमें क्लिक कर देना है। बिल्कुल सेम जैसे हमने पिछली बार हमने अपनी वीडियो में बताया था आपको नाम चेक करने के लिए, सेम वैसे ही इसको चेक करना है, वही प्रोसीजर है। बस इन्होंने क्या है, जो भी नए नाम जो इन्होंने शॉर्टलिस्ट किए हैं उसको इस लिस्ट के अंदर ऐड कर दिया है। अब हमें यहाँ पर अपना नाम से सर्च करना है, तो अपना नाम डाल दीजिए जो भी नाम से आपने अप्लाई किया है। देखिए मैंने आप सुनील डाल दिया है, आप अपना नाम डाल दीजिएगा और उसके बाद यहाँ शो पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप यहाँ शो पर क्लिक करेंगे तो आपके नाम से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं सुनील नाम से, जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी सुनील नाम डाला था, तो सुनील नाम की लिस्ट जो है वो यहाँ पर खुल जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए अभी लिस्ट जो अपडेट और लोड होने में यहाँ पर टाइम लग रहा है, आप प्लीज़ बने रहिए, मैं आपको बताऊँगा किस तरह से आप उसमें अपना नाम भी ढूंढ सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर ये लिस्ट ओपन हो गई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं जितने भी सुनील नाम से है उन सबकी यहाँ पर लिस्ट आ चुकी है। अब यहाँ पर अपना आप फादर नेम के साथ अपना टैली कर लीजिए, अपने नाम को फादर नेम के साथ आप मिला लीजिए, और उससे पहले आपको यहाँ पर दिख जाएगा बेनिफिशरी कोड, ठीक है, और सर्वे कोड, जो भी आपका सर्वे कोड होगा। तो आप यहाँ पर अपने नाम से उसको अपने फादर नेम के साथ पहले मिला लीजिए। जब इसे आप अपने नाम अपने फादर नेम के साथ इसको मिला लेंगे, तब उसके बाद अपने नाम पर यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप अपने नाम पर यहाँ क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरह का एक मैसेज आएगा जहाँ पर आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। यहाँ पर आपको वो मोबाइल नंबर डालना है जो आपने अप्लाई करते वक्त अपना मोबाइल यहाँ पर दिया था। जी हाँ, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ही आप डालेंगे तभी आपको इसका फ़ायदा मिल पाएगा। तो आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालकर और यहाँ सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ सबमिट पर क्लिक कर देंगे तो आपके नाम की जितनी भी डिटेल होगी, क्या सैंक्शन हुआ है, क्या आपके प्रोसीजर रहेगी, सारी डिटेल आपको यहाँ पर बता दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये थी इन्फॉर्मेशन किस तरह से आप प्रधानमंत्री आवास योजना की नई लिस्ट जो अपडेट है उसको किस तरह से देख सकते हैं और किस तरह से अपना नाम चेक कर सकते हैं। अगर ये वीडियो ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों अपने परिवार के साथ भी इसे शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए या आपकी स्क्रीन के ऊपर सब्सक्राइब के लाल निशान पर टच करके और उसके बाद घंटे के निशान पर जरूर टच कीजिए, ताकि आपको हमारी नई नई वीडियो लगातार मिलती रहे। ये बिल्कुल फ्री होता है और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।